एक्सपर्ट कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौंगलता की रेसिपी। ये इसके मटेरियल्स आप नोट कर लीजिए। अब हमें लेना है मैदा। यह हमारा मावा है जिसमें हमने काजू बादाम किशमिश सब डाल चुका है। यह हमारा ऑयल है। यह हम सीढ़ा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, इसमें हमको शुगर लेना है और थोड़ा पानी ऐड करना है। जितना हम लौंगलता की रेसिपी बना रहे हैं उसके हिसाब से हमको सीढ़ा अपना रेडी करना है। और सीढ़े में हमें थोड़ा सा छोटी इलायची भी डालना है। आप बॉईल करते समय किसी भी समय अपना डाल सकते हो, इसकी कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं है। अब हमने मैदा अपना ले चुका है। मैदे में हम डालेंगे ऑयल, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि ये सब जगह पे फैल जाए। ऐसे बिल्कुल रोटी के आटे के जैसा गूंथना है। इसमें कोई कुछ स्पेशल नहीं है, जैसा हम रोटी करंजी का आटा बनाते हैं वैसा ही बना के तुरंत हमको रेडी करना है। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है मिक्स करके। अब हम इसे गूंथेंगे। मिक्स करने के बाद, रोटी के जैसा बनाने के बाद, बिल्कुल रोटी जैसा ही हमको गूंथना है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब गूंथने के लिए तैयार हो चुका है, अब हम क्या रोटी बनाएंगे। रोटी के जैसा ही तुरंत रोटी बना के बेल देना है। बेलने के बाद हमको इसमें मावा जो हमने बना के रखा है उसको डाल देना है इस तरह से लंबे आकार में। अब इसे हमें एक साइड से फोल्ड करना है, फिर थोड़ा सा इसमें पानी लगाना है हमें इस तरह से। अब सेकेंड साइड का भी हमें मोड़ लेना है इस तरह से। अब बॉर्डर पे हमें फिर से पानी लगाना है। अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, हमारा फोल्ड होकर के तैयार हो गया। अब हमारा लौंगलता देखिए बनके रेडी है। इस तरह से बनाना है। इस तरह से हम अपने सभी लौंगलता बनाएंगे। ये देखिए हमारा सब बनके तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना प्यारे प्यारे। अब इन्हें हमें फ्राई करना है। ऐसे मीडियम आंच पे रखना है। ऐसे हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आराम से उलटते पलटते रहिए ताकि सब जगह पे अच्छे से ये सिक जाए। इसे फास्ट गैस पे नहीं रखना है हमें, मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे हमको इसको पकाना है। देखिए इसे पलटी मार लेना बरोबर से ताकि ऊपर नीचे दोनों अच्छे से हो जाए। ऐसे भी कर लेना है इस तरह से। मीडियम आंच पे धीरे धीरे हमको इसको चलाते हुए रखना है, पलटते हुए। ये देखिए अब हमारा ब्राउन कलर का रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसका ऑयल गिराएंगे अच्छे से। अब इसे हमें अपने सीढ़े में डाल देना है। देखिए हमने वो जो डॉट दिख रहा है ना, इलायची पाउडर डाले हुए हैं। आप डालें या ना डालें आपकी मर्जी से, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए हमने डाला हुआ है। इसको अच्छे से इसको डुबा देना ताकि ये सीढ़े अच्छे से पीले हमारे लौंगलते हैं। ये हमारा रेडी हो गया।